हाय सुमित, सुमित, पर मैं तो तुम्हारा चिंटू हूं ना। अरे वही जो तुम्हारे नखरे उठाता है, वही जो तुझको सुला के रातों जागता है। फिर तूने मुझे सुमित क्यों बोला? मैं पूछता हूँ क्यों, बता ना, खामोश क्यों है? वो वही थी कुछ दो चार गहरी सांसों के साथ, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। गले में उसकी खराश थी, आंखों में कुछ गीली आस थी, हथेलियों के होंठ भी फड़फड़ाने लगे थे, बाल भी मेरी उंगली की जगह उसकी से कान के पीछे जाने लगे थे। वो अलग थी, जिंदगी की झलक थी। इतने गुस्से में भी खुद को बरकरार रखना उसे बखूबी आता था। आईलाइनर का ख्याल था उसे, तो इकट्ठा नहीं रोती थी, कभी लेफ्ट तो कभी राइट वाली आंख को अपने रूमाल के कोने से बस पूछती थी। वो अलग थी, जिंदगी की झलक थी। बाहुबली 2 द कंक्लूजन में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? दोस्तों से ही पता चला था। हालांकि हम फर्स्ट नाइट शो पे गए थे, तुम्हें याद होगा ना, मैंने किस तरह कॉर्नर वाली सीट के लिए 1000 रुपये अलग से दिए थे। बाहुबली की एंट्री के बाद से लेकर इंटरवल तक मैंने बहुत कुछ जाना। हाँ, किस करते वक्त नाक बीच में नहीं आती, ये भी मैंने माना। तुम्हारे क्लोजअप की महक मुझे और क्लोज ला रही थी, इंचेस की दूरी सेंटीमीटर में बदलती जा रही थी। फिर अचानक दोनों बोलना बंद कर दिया। उस वक्त समझ आ रहा था कि अगर नाक ना होती, सांस कैसे लेते हम, वो बिन ठेके के जाम कैसे पीते। उसने मेरे हाथ को ऐसे थामा जैसे कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ, उसमें हम सफर की भी झलक थी, वो थोड़ी अलग थी। आज भी मुझे पता है वो क्यों आई थी। जब कान के पीछे हाथ फेरा था उसने, तब मेरी नजर उसकी अंगूठी पे आई थी, सगाई वाली अंगूठी। पर वो अंगूठी तो मेरी दी हुई थी, पीछे देखा तो वो अपने और मेरे पापा मम्मी को साथ लाई थी। पापा के सामने थोड़ी चिंटू बोलती, बोला उसने, आखिर अब मेरी होने वाली वाइफ थी। हाँ, वो अलग थी, जिंदगी की झलक थी।